عليهم الطالبات تسليم كرو تسكو ريمبر كرو ريمبر كرو بنيكولاز عليهم الطالبات تسليم كرو تسليم بسم الله الرحمن الرحيم سبسي بالي ما بان كرو بان كرو انك بلازمين عمارم الطالبات تسليم كرو تسليم كرو هبدو आप इनके साथ थोड़ा इनसे खिताब करें जो बातचीत कर हमारे मेरा नाम मोहम्मद नदीम है, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में यहाँ पर होता हूँ। पिछले 3-4 साल से हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, तमाम स्टाफ हमें कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखा गया। हर साल हमारे साथ मुतालबे करते हैं कि हम आपको परमानेंट करेंगे, पर वो मुतालबे उनकी बातों तक रह जाते हैं, हमें धोखा दे देते हैं। हमारे काफ़ी गरीब लोग हैं, तमाम स्टाफ जो हमारे वो क्वालिफाइड हैं, और 70% से अभाव इस तरह स्टाफ है जो उन्होंने जो डिग्रियां ली हैं वो बलूचिस्तान में होती नहीं है। वो KPK सिंध और पंजाब से ख्वार होकर लाखों रुपए खर्च करके उन्होंने वो डिग्रियां लाई हैं इस गरीब सूबे के लिए कि यहाँ के आवाम की हम खिदमत कर सकें। लेकिन हमारे गवर्नमेंट लोग, गवर्नमेंट वाले मुलाजमीन और हमारे मैनेजमेंट के लोग ये नहीं चाहते कि इस गरीब सूबे की खिदमत हो सके। तो हम इनसे यही मुतालबा करते हैं कि हमारे मुतालबात जायज़ मुतालबात जो हमारे हैं वो मंजूर करें, हमें जायज़ मुतालबात पर रेगुलर किया जाए। तो इंशाल्लाह हम अगर ये नहीं करते, हम आगे 26 को भी स्ट्राइक करेंगे, 27 को हम असम्बली के बाहर स्ट्राइक करेंगे, और उसके बाद हम टोकन स्ट्राइक स्टार्ट करेंगे। तो इनसे हमारी यही मुतालबात है कि हम गरीब मुलाजमीन पर जो है रहम करें, हमें रेगुलर किया जाए। हमारे तकरीबन 250 के करीब लोग हैं और हम तकरीबन 4.5-4 साल से यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं। ये इदारा जब बनाया था गवर्नमेंट ने तो असेंबली से एक एक्ट मंजूर करवाया था, उस एक्ट में ये कहा था कि आप इनको कॉन्ट्रैक्ट पे रख लें और इनके सर्विस स्ट्रक्चर और बायलाज बना करके इस स्टाफ को रेगुलर किया जाए, जिसको तकरीबन 12 फरवरी को पहला मीटिंग हुआ था 2016 को कि आप इनके सर्विस स्ट्रक्चर और बायलाज बना करके तमाम स्टाफ को रेगुलर किया जाए। वो सर्विस रूल और सर्विस स्ट्रक्चर आज तक नहीं बन रहा है। उसमें हमारे जो सीनियर डॉक्टर साहिबान हैं उनकी बदनीयती है, वो बनने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अगर बायलाज और सर्विस स्ट्रक्चर बनते हैं तो हमारे जो डॉक्टर साहिबान हैं उनको या सिविल BMC में रहना पड़ेगा या उनको परमानेंट यहाँ पे आने पर, जो वो लोग नहीं चाहते वो दोनों जगह से तनख्वाही ले रहे हैं और इन गरीब मुलाजमीन को। और ये आज 4.5 साल में हमारा पहला एहतजाज है। हमने बहुत सब्र तामुल से, बहुत बुरदबारी से काम लिया। हम नहीं चाहते थे कि हॉस्पिटल के अंदर कोई हम एहतजाज करें, और आज भी जो हम एहतजाज कर रहे हैं, ये जो लोग आपको नज़र आ रहा है ये हमारे 40% भी नहीं है, क्योंकि हमारे 60% लोग अंदर हॉस्पिटल के काम कर रहे हैं। हमारे पास डायलिसिस के मरीज़ हैं, हमारे इमरजेंसी में मरीज़ है, वार्ड में एडमिट मरीज़ है, थिएटर चल रहा है। हम नहीं चाहते हैं कि मरीज़ सफ़र करें। तो आज हमने ये पहला एहतजाज किया हुआ है। 26 को हमारी बोर्ड का मीटिंग है, हम 26 वाले दिन भी यहाँ पे बोर्ड मीटिंग से पहले अपना एहतजाज करवाएंगे, और हम आज से काली पट्टियाँ बांध के अपनी ड्यूटी परफॉर्म करेंगे। 27 को, अगर 26 को हमारा मुतालबा हल नहीं किया गया तो 27 को हम बलूचिस्तान असम्बली का जो सेशन है हम उसमें जाएंगे, हम वहाँ पे एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे, और उसके बाद हम नया लाए अमल देंगे कि हम टोकन स्ट्राइक शुरू करेंगे, 2 घंटे या 3 घंटे का टोकन स्ट्राइक शुरू करेंगे, और उसके बाद हम जाएँगे बलूचिस्तान हाई कोर्ट में अपने CP लगवाएंगे। क्योंकि हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है या बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है हमारे जो अस्पताल का बना हुआ है, उनसे हमें मजीद तवक्को नहीं है, क्योंकि 4.5 साल में कोई 5-6 बोर्ड मीटिंग्स हो चुके हैं। हर मीटिंग में हमारा एजेंडा रखा जाता है, हर मीटिंग में हमें वादे किए जाते हैं, मगर हमें रेगुलर नहीं किया गया। जो हमारा ये मुतालबा है वज़ीर आला से, वज़ीर आज़म से, दूसरे लोगों से कि खुदा रा बलूचिस्तान के कंपिटेंट पढ़े लिखे और क्वालिफाइड टेक्निकल लोग हैं। टेक्निकल लोग आपको पता है बलूचिस्तान में बहुत कम है। ये सारे ट्रेंड स्टाफ है, कोई कराची से ट्रेंड होके आया है, कोई कहीं से पढ़ के आया हुआ है। तो हम कहते हैं कि इनको मजबूर ना किया जाए कि इनको बेरोज़गार किया जाए और ये रोडों पे दरपदर कल को फिरे। तो ये बलूचिस्तान के क्रीम है, मैं कहूँगा ये बलूचिस्तान की क्रीम है, और हमने 4 साल में हॉस्पिटल चला के भी दिखाया है और हम इंशाल्लाह आगे भी चलाएंगे। हमारे प्रोग्रेस आप देख ले, इस वक्त हज़ारों की तादाद में यहाँ पे मरीज़ सियातियाब होके चले गए, 186 डायलिसिस हमारे लोग कर रहे हैं 24 घंटे, सर्दी गर्मी हर सूरत में हमारे वार्डों में एडमिट होते पेशेंट 24 घंटे हम ड्यूटियाँ कर रहे हैं। हमारी नाइट शिफ्ट
शिफ्ट जो 12-12 घंटे की लोग हमारी ड्यूटियां करते हैं, हालांकि आपको पता होगा लेबर लॉ में ये है कि 6 घंटे से ज़्यादा आप किसी से ड्यूटी नहीं ले सकते हो। हम सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक रेगुलर ड्यूटी करते हैं, हम सैटरडे को भी छुट्टी नहीं करते, हमारे संडे को भी ड्यूटियाँ होती हैं। हम ड्यूटी करने को तैयार हैं, हम मरीजों का खिदमत करने के लिए तैयार हैं, मगर हम हुकाम बाला से और गवर्नमेंट से दरख्वास्त करते हैं कि खुदा हमारे जायज़ मुतालबात को हल किया जाए और हमें रेगुलर किया जाए।